गुरबाणी दिया वीडियोस देखने लिए साडे चैनल नु सब्सक्राइब करो ते आइकन बेल दा बटन भी जरूर दबाओ जी। साध संगत जी, नवा साल 2023 चढ़न वाला है ते इस दिसंबर दे महीने विच चलो कुछ ऐसा करिए कि गुतन गुरु नानक देव जी दे लाडले बन जाइए ते दिसंबर महीना दिसंबर महीने दे जेड़े दिन बचे हन उना दिना विच असी की काम करना है ताकि सदा आन वाला साल 2023 खुशियां ते खेड़िया नाल भरिया ही आवे। कोई भी दुख तकलीफ नवे साल विच सानू छू भी ना पाए। ऐसा करांगे कि गुरु नानक देव जी साडे उत्ते ऐसा पैरा लगाएंगे कि दुख सानू छू ही नहीं पाएगा। पिछले साल विच जो साडे सपने अधूरे रह गए हन, जो साडी इच्छावां पूरियां नहीं होईयां, ओ सब पूरियां हो जाण। ते फिर ओ केड़ा काम है जो असी दिसंबर दे महीने विच करना है। हर एक इंसान चाहता है कि उदी जिंदगी विच उदे घर विच सुख शांति होवे, उदे घर दे जीआं दी तंदुरुस्ती बनी रवे, उदे घर विच किसी चीज दी कमी ना आवे, खुला पैसा आवे, पैसे दी हमेशा बरकत रवे। पर कई घरां विच इन्हां चीजां दी घाट रहिंदी है, पैसे दी बरकत नहीं पैंदी है ते कुछ भी लैण तो पहला सोचना पैंदा है पैसियां दी घाट दे कारण। इन्हां चीजां दी घाट दे कई कारण हो सकते हैं। असी अज इसी घाट नूं पूरा करन दी युक्ति दसन जा रहे हां ते फिर इस युक्ति नूं जरूर अपनाना है जेकर असी चाहते हाँ कि साड़ा घर भी खुशियां खेड़िया नाल भरिया रवे, बरकत होवे, किसी चीज की घाट ना होवे। ते ऐ जिहड़ा काम है तुसी लगातार 21 दिन 11 दिन जिस तरह तुहानूं कंफर्टेबल नाल तुसी कर सको उस तरह करना है, क्योंकि जदो आपां कोई काम लगातार करदे हाँ ना तां उह साडी आदत बन जांदा है। देखो जो पिछला वरा बीत गया है तां उस वरे विच सानू कुछ कदी नुकसान होया है ते कदी फायदा, कुछ साडे वास्ते चंगा होया है ते कुछ माड़ा। पर ऐ जिहड़ा मनुखी सुभा है ना ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਦਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ।
क्योंकि जो सोचते हाँ जो भी साढ़े दिमाग विच चलता है उसका असर साढ़े आने वाले भविष्य ते जरूर पैंदा है। जो बीत गया सो बीत गया, सोचना है बस आने वाले कल दे बारे विच। जो गलतियां आपा पिछले वरे विच कर चुके हाँ बस ओ गलतियां नू आपा दोहराना नहीं है। ऐही बोलना है कि मैं अपनी गलती नू आने वाले साल विच सुधारांगा कि उन्नू दोहरावांगा। अपनियां कमियां नू देखना है, अपने ओगणां नू देखना है ते उन्हां नू एक एक करके ठीक करना है, सुधारना है। ते चलो हुण साडा आउण वाला साल खुशियां खेड़ियां वाला आवे उहदे लई सानू की करना है उहदी गल करदे हां। रात नू जदों तुसी सोण लगदे हो ना सारे अपने काम फ्री करके, जदों फ्री हो जांदे हो हुण पता है कि असीं हुण बैड ते जाके सोना ही है। ए सब वास्ते है, बीबियां वास्ते भी ते मेरे वीरां वास्ते भी। जदों सारे काम मुका के आपां सोण जाना है ते उस तो पहले असीं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट निकाल के ए शब्द जो मैं तुहानूं दस रही हाँ ओ शब्द तुसी 11 वार कटो कट 11 वार, जे ज्यादा 21 वार पढ़ सकते हो तो बहुत वधिया है, नहीं तो कटो कट 11 वार तो पढ़ना ही है। रोज रोज जो तुसी दिसंबर के दिन बचे हैं ए शब्द नूं पढ़ोगे तो यह शब्द तुहानू कंठ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो तुसी आने वाले साल विच भी उठदे आ बैठदे आ जो भी मतलब जदो जदो तुहानू टाइम मिले तो यह शब्द पढ़ो। इस शब्द विच इन्नी शक्ति है कि वाहेगुरु की बरकत खुशियां तो तुहानू हासिल होणगियां ही होणगियां ते कोई भी दुख नेड़े नहीं आएगा, जो मंगोगे ओ ही तुहानू मिलेगा। पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मो छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी तोत न आवई खाए खर्च रहेंदा, लख चुरासिये मेदनी सब सेव करंदा। एह वैरी मित्र सब कीतिया नै मंगे मंदा, लेखा कोई न पुछई जा हर वक्त संदा। आनंद पिया सुख पाया मिल गुर गोविंदा, सबे काज सवारिये जा तुद पावंदा। सो साध संगत जी, वाहेगुरु सच्चे पातशाह परमात्मा दी खुशियां प्राप्त करन लई इस शब्द दा जाप तुसी जरूर करना है ते माड़े विचार अपने दिमाग विच नहीं लियाने। जो माड़ा तुहाडे नाल बीत चुक्या ओ बीत गया है ते चंगियां चंगियां चीजां सोचनियां हन ते इस शब्द दा जाप करना है। परमात्मा तुहाडियां चोलियां खुशियां नाल भर देवेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।